1-800-330-8112 पर मिस कॉल अवश्य करें। जो लोग पिछले वर्ष से लेकर अभी तक इस नंबर पर मिस कॉल कर चुके हैं, वे दोबारा मिस कॉल ना करें। रेवाड़ी में आयोजित इससे पूर्व आज प्रातःकालीन योग शिविर में स्वामी रामदेव जी महाराज ने हजारों लोगों को योग की दीक्षा के साथ साथ देशभक्ति की भी शिक्षा देते हुए 3 जून को होने वाले आंदोलन की जानकारी दी। साथ ही गुरुकुल के बच्चों ने योग का प्रदर्शन कर स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली कितने जून को? 3 जून को। 3 जून को अब कोई घरों में नहीं रहेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, देश को बचाने के लिए। काला धन, भ्रष्टाचार, बोले भारत माता की। तो 3 जून को बाहर निकलना है, घरों में नहीं रहना है। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा। भाई बहनों, 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा। जो दिल्ली आ सकते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा हरियाणा, राजस्थान के बहुत से जिले, मध्य प्रदेश के बहुत से जिले, कुछ पंजाब और उत्तराखंड से, वो दिल्ली आएंगे। बाकी अपने अपने राज्यों में, राजधानी में इकट्ठा होकर के देश को बचाने के लिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेंगे। और मैंने कहा, जीवन उसी का है जो देश के लिए कुछ करते हैं। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी संदीप, पुष्पेंद्र, ऋषभ और भारत स्वाभिमान यात्रा के तीनों चरणों में अभी तक राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज 11 लाख किलोमीटर की यात्रा कर 11,000 से अधिक योग शिविर व जनसभाओं के माध्यम से लगभग 11 करोड़ भारतीयों को संबोधित कर चुके हैं। ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा जन समर्थन किसी भी सामाजिक, आध्यात्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलन को ना ही मिला, ना ही किसी आंदोलन में किसी भी व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा जन जागरण का कार्य किया। जिन करोड़ों लोगों की सेवा स्वामी जी महाराज ने की है, उन सभी लोगों में स्वामी जी के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव है तथा वे सभी इस आंदोलन के प्रति बेहद उत्साहित हैं। अपनी यात्रा के इसी क्रम में क्रांतिकारी संत स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे हरियाणा प्रांत के गुड़गांव में भौंडसी स्थित शहीद स्तंभ पर, जहां स्वामी जी ने वीर शहीदों को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात जननायक स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे भौंडसी। स्वामी रामदेव जी महाराज के मंच पर आगमन होते ही लोगों ने हाथ उठाकर ओम की ध्वनि से स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से साफा पहनाकर स्वामी जी महाराज को सम्मानित किया और क्रमबद्ध होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक षड्यंत्रों से घिरा हुआ है और हमें मिलकर संघर्ष करना है और मां भारती को सभी षड्यंत्रों और सभी बेड़ियों से आजाद करना है। करीब देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज 20 रुपए पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, और उसमें भी उन करीब 80 करोड़ लोगों में से करीब 40 करोड़ तो ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, क्योंकि वो भूख आप हरियाणा वालों ने नहीं देखी, वो भूख दिल्ली वालों ने तो कभी देखी ही नहीं है, वो पंजाब में भी नहीं है। हमारे देश में जब मैंने पहली बार वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट पढ़ी कि 20,000 लोग हर रोज भूख से मर जाते हैं, अंग्रेजी में उसको हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया मीडिया में, वो एक ही दिन बयान आया था बस, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन दिस इज नेशनल सेम फॉर अवर कंट्री, कि भूख और कुपोषण हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। लेकिन क्या इस बयान से देश की भूख दूर हो गई? आज इस देश के यदि किसानों की बात की जाए, देश की करीब 70% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती, कुछ लोग
इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग सर्विसेज में है वो भी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक जिंदगी जी रहे, जिनकी अपनी इंडस्ट्री है वो भी थोड़े ठीक ठाक है, गांव वालों की तो हालत और भी खराब। हिंदुस्तान के 50% खेतों को पूरा पानी नहीं मिलता, बिजली की हालत तो सभी जगह खराब है, आधा भारत करीब बाढ़ में, आधा भारत करीब सूखे में जीता है। मानिए यदि हम कुल मूल्यांकन करते हैं तो देश में कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग सुखी होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ज्यादातर लोग दुखी हैं। तो हमारे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिससे कि सबकी खुशहाली के रास्ते खुल जाए, सबकी तरक्की हो जाए, सबका विकास हो जाए, सबका भला हो जाए, सभी के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो जाएं, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कोई अपमानित ना, अपने आप को महसूस ना करे, उसका रास्ता है। इस देश के कुछ बुरे लोगों ने, जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसमें बड़े नेता भी सम्मिलित हैं, उसमें कुछ बड़े कॉर्पोरेट के भी लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उसमें कुछ बुरे अधिकारी भी हैं, और विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र भी बहुत बड़ी मात्रा में देश में चल रहा है। कहते हैं चारों तरफा लूट मची हुई है, और इनने मिलकर के करीब अब तक 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूटा है। जब मैं 400 लाख करोड़ रुपए की बात करता हूं तो बहुत लोगों को लगता है बाबा हां इतना लूट लिया। ये 400 लाख करोड़ रुपए ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ये 400 लाख करोड़ रुपए जो बेईमानों ने लूटा इनसे वापस लेंगे, लेना है, कितना ही वक्त लगे। 3 जून से तो जंग शुरू होगी और अगस्त में फिर आर पार की लड़ाई होगी, और जब तक ये लूट का धन वापस नहीं ले लेंगे तब तक ये संग्राम जारी रहेगा, और इसका परिणाम देखो कितना बड़ा होगा। ये 400 लाख करोड़ रुपए जब वापस आएगा तो एक जिले को विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुछ स्टेट्स का ही बजट है, पूरे स्टेट का बजट नहीं है 60,000 करोड़ रुपए। 3-4-5 छोटे छोटे स्टेट्स का बजट, बड़े स्टेट का बजट 10-20 हज़ार करोड़ रुपए। यूपी जैसे कुछ स्टेट है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है जिनका 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। 60,000 करोड़ एक जिले को, एक डिस्ट्रिक्ट को, और एक गांव को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास के लिए, डेवलपमेंट के कार्यों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, किसानों के खेतों को पानी देने के लिए, बिजली के लिए, सारे कामों के लिए। एक गांव को यदि 100 करोड़ रुपए मिलता तो 100 करोड़ तो गांव में खर्च करने के लिए जगह नहीं होगी। और ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तो हिंदुस्तान के किसानों को उनका हक मिलेगा, किसानों के जिंदगी में खुशहाली आएगी, जवानों के जिंदगी में खुशहाली आएगी, कोई भी जवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्किंग हैंड्स हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी में इसको बोलते मानव संसाधन। हमारे देश के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा हाथ हैं, हाथ तो 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आंशिक रूप से अपूर्ण रूप से बेरोजगार है। इनका यदि काम के लोग इस्तेमाल करें तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को 500 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बना सकते हैं, जो चीन की है। अमेरिका की जो एक अर्थव्यवस्था है वो तो आर्टिफिशियल है। आज उन जवानों के हाथों को काम नहीं है तो इसलिए कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है, या फिर कोई ऐसे नशा करने लग जाता है, आवारा गर्दी में चला जाता है, क्या करेगा। बहुत से ऐसे देश है वहां पर लोगों को काम करने के लिए हाथ चाहिए, इंसान चाहिए, चाहे वो दुबई है, चाहे वो इराक है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर लेबर की कमी है, वर्किंग हैंड्स की कमी है, टेक्निकल हैंड्स की कमी है, लोगों की कमी है। हमारे यहां पर आदमी उनके हाथों को काम नहीं कहते, हमारे पास रोजगार नहीं है, सबने हाथ खड़े कर रखे। ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने पर हम अपने देश के लोगों को तो रोजगार दे पाएंगे, पूरी दुनिया के भी करोड़ों लोगों को हम अपने यहां नौकर रख पाएंगे, इतनी ताकत हिंदुस्तान में आ जाएगी। आज हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख करके विदेश जाना चाहते हैं, क्यों, वहां डॉलर और पाउंड कमाने को मिलते हैं। ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने के बाद जो आज हमारे रुपए की ऐसी तैसी हो रखी है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, करेंसी का डिवेल्युएशन हो रहा है,
ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने पर, इसको विकास में लगाने पर हमारे रुपए का अवमूल्यन नहीं होगा, बल्कि हमारा रुपए डॉलर और पाउंड से ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा। तो ये हमारा जब पैसा एग्रीकल्चर में लगेगा, खेती में लगेगा, तो हमारी खेती 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, हमारी इंडस्ट्री 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, हमारी सर्विसेज 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होंगी, हमारा निर्यात करीब 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो आज 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, चीन का निर्यात जो है करीब 80 से 90 लाख करोड़ रुपए का। हमारी जीडीपी स्ट्रांग होने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारी ग्रोथ रेट, आज हमारी ग्रोथ रेट 7 के आसपास आ गई है, जो पहले 9-10 के आसपास रहा करती थी वो 15-20 के आसपास हो जाएगी, हमारा डेफिसिट जो आज -4.5 चल रहा है वो हम सरप्लस में चले जाएंगे, और हमारे यहाँ पर महंगाई नाम की चीज नहीं रहेगी, ये काला धन वापस आने के बाद में हर चीज आधे दाम में लगभग मिला करेगी, क्योंकि आधे के करीब बेसिक प्राइस के ऊपर टैक्सेशन से। आज यदि टैक्स खत्म कर दो तो गैस डीजल पेट्रोल आपको आधे दाम में मिलेगा। आचार्य चाणक्य का सिद्धांत है, जिस देश में टैक्सेशन ज्यादा होंगे वहां की प्रजा गरीब होगी, और जिसमें टैक्स कम होंगे वहां की प्रजा अमीर होगी। सारा टैक्स ले लेकर के तो सबको गरीब बनाया हुआ। गांव वाले सोचते हैं, बाबा हम तो इनकम टैक्स कुछ देते ही नहीं, यही तो सरकार की चालाकी होती है, 32 तरह के टैक्स है, 30 तरह के टैक्सों का तो पता ही नहीं लगता, आपको तो एक दो का ही पता लगता है, वो इनकम टैक्स सेल टैक्स एक आधा पता है। आप जो साबुन खरीद के लाते हो 12 रुपए की, उसमें 4 रुपए का टैक्स है, और जो दारू वाले दारू खरीद के लाते हैं 500 रुपए की बोतल, 250 रुपए टैक्स है उसमें, इसमें सबसे ज्यादा है, और किसी किसी पर तो 2-3 गुना भी है, 50 रुपए की दारू के ऊपर 100 रुपए टैक्स देते हो, 150 रुपए टैक्स देते हो, ये जो कोको कोला पेप्सी थम्स अप खरीदते हो इसके ऊपर टैक्स देते हो, अरे और तो और छोड़ो, जो तुम साबुन शैंपू खरीदते हो, यदि 100 रुपए का शैंपू खरीदा है तो 25-30 रुपए टैक्स के होते हैं उसके अंदर, कुछ भी चीज, ये घड़ी खरीदो टैक्स देके खरीदो, मोटरसाइकिल, जितने भी चीजें हैं, करीब करीब औसत बता रहा हूं, औसत चीजें 30-50% सस्ती हो जाएंगी, जब काला धन आएगा महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी, जो पूरे हिंदुस्तान को दीमक की तरह तबाह हो गया पूरा हिंदुस्तान, महंगाई महंगाई। हमारे यहां पर खाद्य तेल सस्ते होंगे, हमारे यहां पर पेट्रोल गैस भी सस्ता होगा, ये जो आप रसोई गैस प्रयोग करते हो कितने रुपए को सिलेंडर आवे, 400 को, ये 200-225 में मिला करेगा, उतनी कॉस्ट उतनी है, ये सब कमाई करने के बाद है, ये मुफ्त में नहीं मिल रहे चीजें, माने उस पर बेसिक प्राइस, फिर उसके ऊपर कम जो उनका कम जो है लाभ, उनका प्रॉफिट सब जोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा है। बात ये सोचते हैं, बाबा ये इतना लूटा कहां से, अरे पिछला तो 65 साल से जो लूट रहे वो तो अगली बात, अभी अभी की सुनाता हूं। ये 1,76,000 करोड़ का आपने क्या सुना था, 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का क्या सुना, कॉमनवेल्थ घोटाला, और एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे ईमानदार कहलाने वाले प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने खुद कोयला मंत्रालय जब उनके अधीन था तो 50 बिलियन टन कोयला, कुछ मैंने कहा था ना करप्ट कैपिटलिस्ट, कुछ बड़े पूंजीपतियों को दे दिया, कितना, अरे जोर से तो बोलो, हमने तो अरावली के पहाड़ देखे ना, हमने भी भट्टा के पत्थर के पहाड़ देखे, लेकिन हिंदुस्तान में लोहे के पहाड़ हैं, कोयले के पहाड़ हैं, जमीन में हीरा भरा पड़ा है, एल्युमिनियम भरा पड़ा है, गैस पेट्रोल सॉरी 89 प्रकार की ऐसी भू संपदाएं हैं, अब नीचे से हीरा निकालो पैसा कभी भी बना लो तो कैश है, कोयला निकालो कभी भी उसको बेच लो कैश है, वो तो जमीन में 20,000 लाख करोड़ रुपए की ऐसी भू संपदा है, कितने की, 20,000 लाख करोड़ की। मेरे तो यूं कह, बाबा तेरे के पेट में दर्द हो रहे हो सर, मैंने कहा भाई मेरे पेट में यूं दर्द हो रहा है कि एक तरफ मेरा वो गरीब भारत और एक तरफ ये लूटने वाला लुटेरा भारत, और मैंने इस भारत को मान लिया अपना परिवार, जैसे परिवार में बड़े अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं,
उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनके भले और विकास के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही मैंने 121 करोड़ भारतीयों को अपना परिजन माना है और मैं चाहता हूं उन सब की तरक्की, उन सब की भलाई हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। और ये आ सकती है और ये आएगी और हम ये लाएंगे। ये बोले ये ऊपर वाले क्यों नहीं सोचते, क्योंकि इन्होंने ना तो गांव में पैदा हुए, और बहुत से तो ऐसे इनमें ऐसे वो हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, ना हिंदुस्तान में पढ़े, ना इनके बाप दादे पढ़े। इनको हिंदुस्तान में अच्छे स्कूल बनाने से क्या मतलब, ना ये पढ़े, ना इनके बापू पढ़े, इनके ना दादे पढ़े, ये तो सब बाहर पढ़ के आते हैं। और पता नहीं पैदा भी कौन से खानदान में ऊकसूकी है सारो मामलो, इनका तो आप को पता ही नहीं लगा सकते। अपने यहां तो ब्याह भू करें तो गोत्र गोत्र देखें, मिलाम है कि भाई अपने गोत्र का तो नहीं है, नाना का, मामा का गोत्र का, माँ का गोत्र का तो नहीं है, दो दो तीन तो मिलाते ही होंगे। हाँ, इनको गोतगात मिला है कोई? देखो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इनका हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं है, ये तो यहां से तो लूटते हैं और विदेशों में ले जाकर के अपने खजाने भरते हैं सात समुंदर पार। अरे इनका तो बढ़िया रावण ही थो, कम से कम लूट के अपनी लंका की सोना तो बनाई थी, ये तो सात समुंदर पार ले गए। लेकिन अब इसको पकड़ सकते हैं। अब सुन लो अगली बार, बोल बाबे पकड़ में कैसे आएंगे ये बता। देखो भाई तीन जगह ये लूट का पैसा है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेस्ट किया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं उसको निवेश किया हुआ है, और देसी भाषा में बोलो तो भाई ये तीन जगह ये लूट लूट के धन का अड्डा बनाया हुआ है, काले धन का अड्डा, लूट के पैसे का। कहां कहां? एक तो विदेश में, एक अपने ही देश में, और एक लूट का पैसा आ चुका ऑफिशियली। अब इसने सुनो और इस सबने बताना इस बात ने, और सबके समझ में आओगी, पढ़े लिखे के भी अनपढ़ के भी, हम तो देसी आदमी भाई देसी तरीके से बातों को समझते हैं, और सारे गांव ने समझाओ, सारे हिंदुस्तान ने समझाओ, तकलीफ इनने यही हो रही है कि वो गांव को छोड़ो कठा से आ गए हो मारी पोल खोलने वास्ते। ऊपर वाले तो चोर चोर मोसेरे भाई, ऊपर कोई नहीं इनके बारे में बोलता। लो मैं बोलूं एक एक तंत की बात बताऊं। देखो भाई हम तो गांव के आदमी है, तंत की बात जाना है, और एकदम सीधो सीधो रास्ता। हिंदुस्तान में इन्होंने बेईमान लोगों ने लूट लूट के खरीद लिया सोना, के खरीद लिया, और सोना कितने का खरीदा है? करीब 300 लाख करोड़ रुपए का। सुनियो जरा कितना का, करीब 1 लाख टन सोना खरीद लिया। सोना क्यों खरीदा? रुपए खरीद लें तो गलने का खतरा, छापा मारे तो फिर उसको रखना तो पड़े, नीचे 500,000 के भी हो तो भी। और 1 किलो सोना इतना समय आ जावे। अब एक एक करोड़ रुपए रखेगा तो इतनी कम से कम ऐसे बहुत बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, और 1 करोड़ का सोना खरीदो इतनी सी जगह में आ जाओ, बस हो गया काम। और कभी भी कैश करा लो सोने, 1 लाख टन सोना किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लो, हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक की मानता है 20,000 टन से ज्यादा। तो 1 किलो सोना को क्या भाव है? इतने बावले हैं गांव वाला ने सोना को भाव भी ना बेरो, 30,000 बता रहे, 30,000 तोड़े का है। बोला बाबा माने तोड़े से ज्यादा खरीदा ही नहीं, ऐसे भी नहीं हमारी, 30 लाख है, 1 लाख टन सोना खरीद रखा है बेईमानों ने, बाहर जमा कर रखा है, हिंदुस्तान में जमा कर रखा है, वहां पर बैंकों में है, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF और इन सब संस्थाओं के जो बड़े बड़े माफिया उनके थ्रू इधर उधर घूमता है पूरी दुनिया में। 3,000 लाख करोड़ की, कितने की? इसमें अमेरिका ने ले रखे हैं करीब 1,100 लाख करोड़, तो UK ने ले रखे हैं करीब 500 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी फ्रांस ले रखे हैं कभी 250 लाख करोड़ रुपए। ये जो हमारी लड़ाई है ना भाई, ये दिल्ली वालों से नहीं है, ये दिल्ली वालों तो उनके नौकर चाकर है, असली जो इनके सरगना है वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसलिए जो अब लड़ाई हो रही है ये दुनिया की ताकत और शक्तियों के साथ में हो रही है, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी मत मानियो इस बात ने। अब सुनो मैं आपको प्रूफ देता हूं। दरअसल इस तरह से सोचते नहीं ना लोगों का, बेरा ही नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पास में 20 लाख रुपए आ जाए,
जहां से भी आ जाए और आप बैंक में जमा करा दो तो दूसरे दिन इनकम टैक्स वालों को नोटिस आ जाओगे, ये बताओ पैसा कहां से लाए। बोलो 20 लाख जमा करते आओगे ना सिद्धो, ठीक सुनो बात सुन लो एक बार, 20 लाख रुपए बैंक में कोई भी जमा करा के देख लियो, दूसरे दिन इनकम टैक्स को नोटिस आओगे, यूं बता कड़े तलाया है, डाका डाल के लाया है कि खेत बेच के लाया है कि कोई बिजनेस किया है या किसी तो उधार लिया है, ठीक है। ये बेईमान 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में लिया है, ये पूरा पर्चो है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बेरा ही नहीं हिंदुस्तान ने, ये 20 लाख करोड़ रुपए लिया है, कितने 20 लाख करोड़ है ये, थारो कंप्यूटर फेल हो जाए लाख करोड़ को नाम लेते। बोले बाबा लाख तो समझ में आवा, करोड़ भी समझ में आया और इतना 1000 करोड़ भी समझ में आया, लाख करोड़ तो मारो फिर दिमाग ही काम नहीं करे। 20 लाख करोड़ रुपए ये विदेशी पूंजी निवेश, इसने शॉर्ट में बोले FDI, FDI के नाम पर लिया है, लेकिन इसका मालिकों का नाम नहीं बताते। अब इन तक हमसे तो पूछने 20 लाख रुपए आते ही, अरे इन 20 लाख करोड़ रुपए आ गए नाम नहीं बताते, इन्हीं बेईमानों का बाहर जमा, इन्हीं बेईमानों ने सोना खरीद रखा। हम तो सरकार से इतना ही कहते हैं इनका नाम बता दो कि इनका मालिक कौन है जो 20 लाख करोड़ रुपए लेके आए हो। तो भाई बहनों यो तो बात है काले धन की, और ये मामला कितने का है बोलो, 400 लाख करोड़ बोलो तो कितने को है वो मामला। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, ये काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं, इस देश के किसानों के जवानों के बच्चों के हिंदुओं के मुसलमानों के सब लोगों की जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए कि नहीं, और इस काम को करने के लिए 3 जून को साथ दोगे कि नहीं। कितने लोग 3 जून को मेरे साथ होंगे दिल्ली में, अभी बोलो बाबा इतना बड़ा मामलो है तो अभी चाल पड़ो, कितना का है ये मामला, और जो 3 जून को दिल्ली नहीं आएंगे तो क्या करेंगे बोलियो, खेत में हल चलाना है तो दूसरे दिल चला लेना, और भाई यदि मजदूरी भी करोगे तो मेहनताना कितने का मिलेगा, 100, 200, 500, 1000 का, कोई नौकरी नौकरी भी करता होगा। भाई घर में काम करोगे खेत में काम करोगे तो थोड़ा बहुत मेहनताना मिलेगा, और भाई अपने फूट बाने हैं हल जोतना है तो बाद में आके जोत लेना, कहीं खेत का नहीं जा रो, कोई इस पर कब्जो नहीं कर रो। तो 3 जून को आप लोगों को अब अपने काम को छोड़ करके देश को काम करना है, क्योंकि 3 जून को आप दिल्ली की ओर कूच करते हैं तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलता है, और इस काम के लिए सबको योगदान देना है। सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दो, लाखों करोड़ों लोग घरों से बाहर निकल के कि यो काम करना पड़ेगा, उनको सरकार को और काम ही की है, यही तो काम है, बाकी तो इनके घर हमारे पैसे से बने हुए, इनकी कोठियां हमारे पैसे से बनी हुई, कार हमारे पैसे से ली हुई, उनमें पेट्रोल हमारे पैसों के चले, मोबाइल को खर्चो हम दे, ऊपर आसमान मोड़ो उनको खर्चो हम दे, ये विदेश में यात्रा करने जाओ उनको खर्चो हम दे, ये बैठा किस लिए है फिर। वह एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, डॉक्टर को काम किया है बोलो इलाज करनो, मास्टर जी को काम किया है पढ़ानो, और ये सैनिक सीमा पर रहते इनको काम किया है सुरक्षा करनो, और सेना सैनिक सुरक्षा ना करे डॉक्टर इलाज ना करे और मास्टर जी पढ़ावे ना तो नौकरी करे वो फिर क्यों हो जाओगे सस्पेंड हो जाओगे। अब ये काम करना पड़ेगा, इसके लिए तो सरकार बनाई जाती है, बाकी रेड बत्ती की गाड़ी में बैठकर रोब दिखाने के लिए सरकार बनाई जाती है क्या, है ना 5-5 लाख रुपए तनख्वाह दे, ये हमारे मालिक सेवक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, और जिस दिन जनता जाग जाती है उस दिन हिंदुस्तान का कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। यह है काले धन का अभियान, अब समझ में आई। अब इनके परेशानी यो हो रही है कि ये बाबा चुप ही नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई अब तो बाबा नहीं पूरा हिंदुस्तान जाग गए, और जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश को न्याय नहीं मिल जाएगा, ये लूटा वहाक उसको वापस मिले, ये बहुत बड़ा काम है भाई, ये छोटा काम नहीं है। और ये काम होने के बाद फिर हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं रहेगी, फिर हिंदुस्तान चीन से, फिर हिंदुस्तान जापान से भी आगे होगा, फिर हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे होगा। अब तो अपनी हालत पूरी दुनिया में खराब हो रखी है,
भारत की साख खराब हो रखी है, ये काम है काले धन वाला। तो 3 जून को सब तैयार रहियो, वो तो एक दिन को काम है, बाकी फिर दूसरे दिन की घोषणा 3 जून नहीं करेंगे। और भाई एक काम और रखना, देखो जो आंदोलन करने का तरीका है ना भाई वर्तमान में, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लियो। पहले जो लड़ाई देश के दुश्मनों से हमारी जो होती थी, अंग्रेजों से होती थी, उसमें भाई सब गोली चलती थी और भी दूसरे लाठी भी चलती थी, सब काम होते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब ये अहिंसात्मक आंदोलन रखना है लोकतांत्रिक तरीके से। क्या करना है, दिल्ली की तरफ जा रहे, जहां रोक के वहां रुक जाओ, जहां पुलिस गिरफ्तार करे गिरफ्तारी दो, एक दिन अपने को घर से बाहर निकलना। इनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग अब चुप रहने वाले नहीं है, बस। तो दिल्ली के और आस पड़ोस के एक पूरा रेडियस है लंबा, जो दिल्ली आ सकते हैं वो दिल्ली आएंगे, बाकी अपने अपने स्टेट में राजधानियों में जाएंगे, वहां ये काम करेंगे। ये तो काम काले धन वाला। अब इसमें कब क्या करना है, क्योंकि जब आंदोलन चलता है ना तेजी से, अब 3 जून तो अभी आ रहे हो, बस 1 जून से शुरू हो जाएगी फाइटिंग जोर से। तो इसमें कब क्या करना है, इसका पता लगाने के लिए आपके पास में ना क्या तंत्र होगा, ठीक है, हर समय तो टीवी के सामने नहीं दे सकते, अखबार भी 24 घंटे बाद आता है, तो एक नंबर लिख लो 022-3308-1122, हिंदी में लिख लो 022-3308-1122। इतना तो तेज दिमाग रखो, 400 लाख करोड़ रुपया वापस लाना है, 022-3308-1122, 022-3308-1122। एक बार इसको नंबर को डायल करो, घंटी बजेगी, फिर टू टू हो जाएगी, मिस कॉल एक्सेप्ट हो गई, आपकी मैसेज आ जाएगा, घंटी गई, मैसेज आयो, आ जाएगा मैसेज, आ गया ना, बस अब आप रजिस्टर्ड हो गए काला धन लाने वाले, भ्रष्टाचार मिटाने वाले। एक फौज बना रखी हमने पूरी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की, कितने की, उस 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की, देश को बचाने वालों की फौज में आप सम्मिलित हो गए हो। ये देश हम 121 करोड़ भारतीयों का है, कुछ लोग देश को बेचने में लगे हैं, तो करोड़ों लोग अब देश को बचाने में आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा। ये तो बात बताई काले धन के बारे में। फिर इसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना, जन लोकपाल जैसे व्यवस्था, परिवर्तन के लिए शिक्षा में परिवर्तन, चिकित्सा में परिवर्तन, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, चुनाव सुधार के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और अंग्रेजों के वक्त के चले आए काले कानून से लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको खत्म करने के लिए, और तमाम ऐसे अनैतिक कामों को प्रोटेक्ट कर दिया गया है कानून बना करके, पापों को उस देश को मुक्ति दिलाने के लिए काम करना। सुन लो ये बात, बोले बाबा दिल्ली में कहां आना है, दिल्ली में आना कहां है बोलो, अरे जोर से तो बोलो, और जंतर मंतर पहुंचने तक पहले ही मंत्र मार दे तो सरकार, जहां रोके वहीं रुक जाना, अपना तो एक दिन को काम है, जहां रोके वहीं रुक जाना, और गिरफ्तारी के लिए तो कहे तो गिरफ्तारी देना। यो तो अब ऐसो जोर को काम होना चाहिए, सरकार ने बेरो पाटना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान जागा हुआ है, अब तुम और लूट नहीं सकते।